नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के सचदेवा, आपके मुंह के छालों का फिजिशियन, कंसल्टेंट ओरल फिजिशियन। आज हम बात करेंगे कि ओरल इकोप्लेकिया या मुंह का अंदर जो सफ़ेद चकता है वो क्या होता है। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया, यानी कि कैंसर पूर्व घाव होता है और ये बहुत कॉमनली पाया जाता है जो लोग बीड़ी, तंबाकू, जर्दा का सेवन करते हैं। ज़्यादातर केसेस में उन्हीं केसेस में पाया जाता है। कुछ पब्लिक है उसको ल्यूकेरिया से भी कंफ्यूज करती है, वो एक अलग बीमारी है फीमेल्स की। ये ल्यूकोप्लेकिया मुंह में होने वाला एक सफ़ेद धब्बा या सफ़ेद पैच है जो बिल्कुल बिनाइन होता है, पेशेंट को कोई कंप्लेंट नहीं होती है और कई साल निकल जाते हैं, बट सडनली इसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। और जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि ये एक प्री कैंसर है तो इसका प्रॉपर इलाज होना ज़रूरी है, फॉलोअप होना ज़रूरी है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर ये देखा गया है कि ऐसे जो सफ़ेद पैचेस होते हैं वो तंबाकू या तंबाकू की किसी भी फॉर्म में जो पेशेंट लिए जाते हैं, पेशेंट लेते हैं, ऐसे पेशेंट्स में होते हैं। बट कुछ एक परसेंटेज केसेस में जहाँ पे पेशेंट को कोई चीज़ कंटिन्यूस जीभ पे या ग्लाफ पे चुभ रही है, जैसे कि कोई नकली दांत हो गया या कोई और फिलिंग मटेरियल हो गया, उससे भी कुछ पैचेस आ जाते हैं। तो वो जो वेराइटी है, जो ऐसे पेशेंट्स जो कुछ खाते पीते नहीं हैं, कोई हैबिट्स नहीं है, ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो वाइट पैचेस होते हैं हम उसको इडियोपैथिक टाइप बोलते हैं, जिसका कोई कारण ज्ञात नहीं होता है। वो काफ़ी केसेस में कारण को रिमूव करने के बाद ठीक भी हो जाते हैं। बट जो तंबाकू से जुड़े हुए पैचेस प्री कैंसर है, और इसके अंदर क्या होता है कि एक तो सफ़ेद पैच की फॉर्म में भी आ सकता है, भी ले सकता है जिसको मिक्स्ड वैरायटी बोलते हैं, और कई बार ये पूरा लाल होके एरिथ्रोप्लेकिया में भी कन्वर्ट में आपको जलन नहीं होती। जैसे जैसे ये लाल होता जाएगा आपको तकलीफ जो है वो बढ़ती जाएगी और इसके जो सीरियस होने के चांसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जो पूरा लाल पूरा इसमें पूरा पूरे चांसेस हो जाते हैं तो इसमें हम बायोप्सी रेकमेंड करते हैं। ओप्लेकिया अपने आप में एक चीज़ है, वो वाइट पैच वो कहीं भी हो सकता है। वो एक मतलब जैसे कि मतलब बिनाइन तो है, लेकिन वो प्री कैंसर होने की वजह से उसका प्रॉपर इलाज फॉलोअप होना ज़रूरी है। अब पेशेंट्स कहते हैं कि सर हमें कुछ नहीं कह रहा, कोई तकलीफ नहीं है, बट मैं फिर भी समझा देना इलाज लें ना लें पर इसका फॉलोअप किसी भी ओरल फिजिशियन से रखें, क्योंकि ये कब क्या बनेगा कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। और हो सके तो आप इसको मुंह में मत रखिए, दवाइयों से भी है, लेज़र से भी है, सर्जिकल भी है, और उसकी रिपोर्टिंग जरूर करवाइए कि क्या उसके अंदर कुछ कण थे सीरियस या नॉन सीरियस। अगर नॉन सीरियस है तो भी आपको उसका लाइफ लॉन्ग फॉलोअप रखना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे पहले भी हम बता रहे हैं कि ये कंडीशंस फ्यूचर में भी आपको दोबारा से तकलीफ़ दे सकती हैं। अगर आपने सब कुछ खाना पीना हैबिट्स छोड़ भी दिया तब भी आपको फ्यूचर में तंग कर सकती हैं। बट अच्छी बात यह है कि प्री कैंसर स्टेजेस में इनका इलाज संभव है और जैसे ठीक हो जाएं और ये दोबारा ना आए अगर आप हैबिट छोड़ते हैं तो। बट जैसे जैसे ये रेड होगा, मिक्स होगा या एरिथ्रोप्लेकिया में रेड पैच या लाल चकते में कन्वर्ट होगा, तो हो सकता है हमारे को बायोप्सी भी एडवाइस करनी पड़े। इनिशियली तो हम इसको डाइट टेस्ट से बाकी इनिशियल स्क्रीनिंग है, बट कंफर्मेशन के लिए हो सकता है कि हमें इसको बायोप्सी के लिए भी जाना पड़े। तो कोशिश कीजिए आप इसका प्रॉपर इलाज करवाइए, प्रॉपर फॉलोअप रखिए, जो कि सबसे ज़रूरी है। पेशेंट बके चले जाते हैं कि हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, बट कुछ सालों बाद उनको फिर दोबारा तकलीफ़ आ जाती है, शायद तब ये ट्रीटेबल नहीं रहता। और कोई भी आपके डाउट्स हो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।